हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग विला में। तो मैं ओवरमैन का बता चुका हूँ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज जो है माइनिंग सरदार के बारे में जानेंगे, है ना। जो वीडियो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो बात शुरू होती है माइनिंग सरदार से, और शुरू करने से पहले क्या जानना है, ये रिलेटेड करता है रेगुलेशन नंबर 48। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम में पूछता है ओवरमैन और माइनिंग सरदार या उसे, तो रेगुलेशन नंबर पूछ देता है। तो रेगुलेशन नंबर 48 से रिलेटेड है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार। तो अब बात करते हैं कि ओवरमैन का आप वीडियो देखे होंगे तो उसको पता होगा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उसको देखने के बाद ये ज़्यादा समझ में आएगा, उसमें विस्तार से समझाए हैं। तो माइनिंग सरदार का ड्यूटी, पहला ड्यूटी देखिए, माइनिंग सरदार सेल सी दैट ऑपरेशन इन दिस डिस्ट्रिक्ट आर कैरिड आउट एज पर COP। तो ये अंडरग्राउंड की बात है, अंडरग्राउंड में ही डिस्ट्रिक्ट होता है, पैनल डिस्ट्रिक्ट अंडरग्राउंड में ही होता है। तो उसी में बोरा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन होंगे, जहाँ जहाँ का इंचार्ज उसको सौंपा गया है, वहाँ पर जो काम हो रहा है सारे COP के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं, COP यानी कोड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहे हैं कि नहीं, ये जिम्मेवारी माइनिंग सरदार को दे दिया गया है। अब दूसरा पॉइंट में है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में सरदार का क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? तो इन ओपन कास्ट माइनिंग सरदार सेल इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा? पहला पॉइंट देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ ओबी डंप्स इज नॉट इन डेंजर। ओबी डंप सबको पता है, वेस्ट मटेरियल जो ओवरवर्डन निकलता है कहीं एक पार्टिकुलर जगह पर हम लोग जाकर डंप कर देते हैं, उस एरिया को ओबी डंप बोला जाता है। तो इंश्योर करेगा कि उसका स्टेबिलिटी डेंजर में तो नहीं है, ठीक है, इंश्योर करेगा। अगर है तो वहाँ पर जो भी करना है उसके आदेश पे होगा, किसका? माइनिंग सरदार का। ये आपका ओवरमैन का भी था, दोनों का था, दोनों का मैच करता है, ठीक है। साइड्स ऑफ बेंचेस आर केप्ट ड्रेस। बेंचेस ओपन कास्ट में कुछ इस तरह के रहते हैं, तो इसके साइड साइड में लूज मटेरियल कभी कभी आ जाते हैं। यहाँ पे है लूज मटेरियल, अगर यहाँ पर है तो यहाँ गिरेगे, क्योंकि यहाँ पर डंपर चलते आदमी चलते तो नुकसान होगा। तो स्टेबिलिटी साइड ऑफ बेंचेस, तो इस बेंच में अगर लूज मटेरियल से करे कुछ ढीला है कुछ क्रैक है तो क्या करते हैं, सोवल के थ्रू इसको काट देते हैं, अच्छे से ड्रेस कर देते हैं। तो ये भी इंश्योर करेगा माइनिंग सरदार। होल रोड आर केप्ट मेंटेन। होल रोड सबको पता है ओपन कास्ट में होल रोड का क्या काम है, मैं वो नहीं बताऊँगा काम क्या है, बस इतना जान लीजिए होल रोड में डंपर चलती है, तो डंपर चलती है तो खराब होते हैं रोड, बारिश के समय भी खराब होते हैं, तो उस समय क्या होता है टायर ज़्यादा घिसता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बोल्डर बीच में आ जाते हैं, तो उस समय इसको मेंटेन करने के लिए ग्रेडर का यूज़ किया जाता है। होल्डर को मेंटेन ग्रेडर से किया जाता है, डोजर से पुश किया जाता है मटेरियल बड़ा बड़ा इधर उधर, उसके बाद ग्रेडर से प्लेन कर दिया जाता है। तो होल रोड का भी जिम्मेवारी किसको दे दिया गया है, माइनिंग सरदार को। स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस इज नॉट इन डेंजर। बेंचेज का स्टेबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा, माइनिंग सरदार हैं आप तो, ठीक है। डस्ट कंट्रोल मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड। ये डस्ट कंट्रोल ही ज़्यादा आता है, ये पूछ देता है डस्ट कंट्रोल मेजर आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू द माइनिंग सरदार ओवरमैन फोरमैन मैनेजर, ये सब ऑप्शन दे देता है। तो ये माइनिंग सरदार का काम है डस्ट कंट्रोल। अब क्या है कि माइंस में गाड़ियाँ चल रही तो डस्ट उड़ती, उस समय सब डस्ट को सेपरेशन करने के लिए काफ़ी सारे चीज़ यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन सस्ता सुविधा पानी है, पानी का छिड़काव किया जाता है। तो ये किसके अंदर में है, माइनिंग सरदार। इतना बस आपको याद रखना है, माइनिंग सरदार ओवरमैन से अगर क्वेश्चन पूछता है ड्यूटीज़ में तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अब अगला वीडियो जो है शॉर्ट फायरर पे रहेगा, ठीक है, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।